साथियों नमस्कार, मैं आपका मित्र के पांडे पंचांग देखना सीखे तथा ज्योतिष बने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप प्रतिदिन की तिथि नक्षत्र जो कामान द्वादश लग्न घंटा मिनट में विवाह मुहूर्त, उपनयन मुहूर्त, वधु प्रवेश मुहूर्त या अन्य किसी प्रकार के मुहूर्त की विस्तृत जानकारी के लिए तथा कुंडली का अध्ययन करने के लिए पंचांग देखना कैसे सीखे तथा अन्य समस्याओं के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आज हम लोग चलते हैं, एक नई विषय है, पत्नी का स्वभाव कैसा होगा। किसी भी व्यक्ति के बारे में यदि कोई प्रश्न करता है कि हमारी पत्नी इस प्रकार की है, उस प्रकार की है, हमारी पत्नी बात नहीं समझती, हमारी पत्नी के बारे में क्या ज्योतिष में कुछ जानकारी हमको प्राप्त हो सकती है अथवा नहीं, तो साथियों आप घबराएं नहीं, आप ज्योतिष पर भरोसा रखें, विश्वास रखें। ज्योतिष में सारी बातों का अध्ययन करके और हमारे ऋषि मुनि पूर्व में ही पुस्तक में लिख दिए हैं, उसके समाधान के तरीके बता दिए हैं। पत्नी का स्वभाव कैसा होगा, क्या वह सही मार्ग पर चलेगी, क्या वह क्रूर विचार की होगी, सौम्य विचार की होगी, या हमें डाइवोर्स करेगी, या किस प्रकार की होगी, खर्चीली होगी या हमको परेशान करने वाली होगी, इन सारी बातों का हल आप इस वीडियो को यदि देखते हैं तो निश्चित ही सुन लेंगे और समझ लेंगे। पत्नी का स्वभाव कैसा होगा, इसके बारे में आप पहले समझें कि सातवां भाव जो होता है यहाँ पत्नी का भाव होता है, यहां से आप पत्नी के बारे में विचार करते हैं। तो ध्यान दें, यदि सप्तम भाव में सात जो यहाँ पर नंबर दिया हुआ है इस पर ध्यान न दें, कोई भी लग्न की कुंडली हो सकती है, किसी भी जातक के लग्न कोई भी हो सकता है, लग्न पर भी विचार ना करें। लेकिन यह हमेशा ध्यान दें कि यदि सप्तम भाव में कोई भी राशि है लेकिन सप्तम भाव में यदि मेष राशि हो, कोई भी राशि हो सकती है लेकिन सप्तम भाव में यदि एक नंबर मेष राशि हो, तो वैसे लोगों की पत्नी जो है उग्र विचार की होगी, कोई भी आपकी पारिवारिक जीवन में अपने मर्जी से कार्य करने वाली होती है, थोड़ी थोड़ी बातों पर वह चिढ़ जाती है, यानी उग्र विचार की होती है, परंतु अंदर हृदय से कोमल होती है, वह बचाल और क्रोधी भी होती है। उसी प्रकार यदि यहाँ सप्तम भाव में दो नंबर की राशि लिखी हुई हो, तो वैसे जातक के वृष राशि यदि हो, यानी दो का नंबर वृष राशि होता है, दो नंबर यदि लिखा हुआ है, तो वह एक सौम्य विचार की होती है, देखने में सुंदर और विचारवान होती है, देखने में तो अच्छी होती है, सुख भी भोगती है, वह शौक की पूरी इच्छा रखती है। यदि सातवें भाव में तीन नंबर यानी मिथुन राशि लिखा हुआ हो, यानी सात के जगह पर यहाँ जो सात काल पुरुष की कुंडली यहाँ बनाई गई है, लेकिन यदि यहाँ पर तीन नंबर की कुंडली उसकी हो, तीन नंबर सातवें भाव में लिखा हुआ हो अर्थात मिथुन राशि हो, तो ऐसी स्थिति में पत्नी वह पढ़ी लिखी होगी और इच्छा के प्रति रुचि रखती है, जे चिंता के कारण वह मानसिक रोग के शिकार भी होने की संभावनाएं उसको रहती है। वह अन्य औरतों की तुलना में अपने को लेकर के हमेशा परेशान रहती है, परंतु वह धनवान भी होती है। इस प्रकार हमें कुंडली का अध्ययन करना चाहिए। यदि यहाँ पर सातवें भाव में चार नंबर लिखा हुआ हो, यानी चार नंबर का मतलब हुआ सातवें भाव में कर्क राशि का होना, तो ऐसी स्थिति में वह उसकी पत्नी, उस ऐसे व्यक्ति की पत्नी सुंदर, शांत एवं गोल चेहरे वाली होती है, कुशल गृहिणी भी होती है, अपने पति और बच्चों पर ज्यादातर वह ध्यान रखती है। यदि सातवें भाव में पांच नंबर लिखा हुआ हो, यानी सातवें भाव में पांच नंबर यदि लिखा हुआ हो, यानी सिंह राशि हो, तो ऐसी स्थिति में पत्नी गोरी उत्तम स्वभाव की होती है, वह कहीं भी जा सकती है, वह यात्रा के शौकीन होती है, यात्रा करने में, भ्रमण करने में वह रुचि रखती है, परंतु संतान उसके कम होते हैं। इस प्रकार हम लोग देखते हैं, यदि मान लें यहाँ पर सप्तम भाव में किसी भी व्यक्ति के सप्तम भाव में
छह नंबर लिखा हुआ हो, तो छह नंबर यदि लिखा हुआ हो यानी कन्या राशि हो, तो वह पत्नी जो होती है वह होशियार पत्नी होती है, चतुर होती है, आभूषण पहनने के शौकीन होती है, संतान की भी उसकी कमी होती है। सातवें भाव में यदि सात नंबर लिखा हुआ हो, जैसे यहाँ सात लिखा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में यानी तुला राशि यदि वहां पर हो तो वह न्यायप्रिय होती है, सुंदर आभूषण के शौकीन होती है, यात्रा के शौकीन होती है, भावुक प्रवृत्ति की होती है। यदि सातवें भाव में आठ नंबर की गिनती लिखा हुआ हो, वैसी स्थिति में आप ध्यान दें अर्थात वृश्चिक राशि हुई, तो ऐसी पत्नी पति को प्रेम करने वाली होती है, पति से लगाव ज्यादा रखती है, उग्र विचार की होती है, अपमान वह सहने की क्षमता उसके अंदर नहीं होती है, यानी अपमान नहीं सह सकती है। ऐसी स्थिति में हमें ध्यान देना चाहिए। यदि सातवें भाव में नौ नंबर की राशि लिखा हुआ हो यानी धनु राशि हो, तो वह उदार धर्म प्रिय होती है, दूसरे के प्रति अच्छी विचार करने वाली होती है, इस वह जो है पेट में किसी प्रकार की बात नहीं रख सकती है, यानी उसे पेट में बातें नहीं पचती है, धार्मिक विचार वाली होती है, कभी कभी वह दुखी भी रहा करती है। यदि सातवें भाव में यदि दस नंबर की राशि लिखी हुई है अर्थात मकर राशि हुई, तो वह पत्नी चंचल होती है, परंतु इतना सुंदर नहीं होती है, यानी सुंदर अच्छी तरह से नहीं होती है, लेकिन उसके अंदर चतुराई बहुत कुटकुट के भरी हुई रहती है। यदि सातवें भाव में ग्यारह नंबर की कुंडली राशि लिखी हुई है अर्थात कुंभ राशि हुई, कुंभ राशि यदि सातवें भाव में किसी याचक के हो, तो ऐसी स्थिति में उसकी पत्नी यानी उन व्यक्ति की पत्नी आलसी एवं सौम विचार की होती है, वह चरित्रवान भी होती है। यदि सातवें भाव में बारह नंबर की कुंडली राशि लिखी हुई हो यानी कुंडली में सातवें भाव में बारह नंबर अर्थात मीन राशि की लिखी हुई हो यानी मीन राशि सातवें भाव में हो, तो ऐसे स्थिति में हम बताएंगे कि वह कल्पना बहुत करती है, यानी कल्पना ज्यादा करती है, विचार ज्यादा करती है, यानी कल्पना पूर्ण होती है, आत्मविश्वास उसके कमजोर होते हैं, चरित्र पर भी कुछ संदेह हो सकते हैं। इस प्रकार हम लोग आज इसका अध्ययन किए कि पत्नी का विचार कुंडली देख करके कैसे समझेंगे, कैसे करेंगे, इसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। यदि वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करेंगे। किसी प्रकार की धार्मिक जानकारी, मुहूर्त निकालने के तरीके एवं अन्य किसी प्रकार की जानकारी सीखना एवं जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।